ओम शांति। आपका हार्दिक स्वागत है बीके चैनल पानीपत में। हर रोज की तरह सवाल आपके, जवाब हमारे। हमारे बीच में है आदरणीय भ्राता भारत भूषण जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है भ्राता जी। आज का प्रश्न है ज्योति बहन की तरफ से। मेरी माता जी सेंटर पर काम करती हैं और दूसरों के घर में काम करती हैं। मेरे पापा शराब पीते हैं। मेरी माता जी 1 साल से ज्ञान योग में चल रहे हैं। शाम को पापा शराब पीकर आते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। हम सब परेशान हैं इन मुसीबत से, लेकिन निकले हमें उपाय बताइए, कैसे निकला जाए। ज्योति बहन, आपने अपने घर की परिस्थिति बताई, मुझे जानकर खुशी हुई कि आप और आपकी मम्मी दोनों ही ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं और ईश्वरीय ज्ञान योग के मार्ग पर चल के, क्योंकि उन्हें केवल 1 वर्ष हुआ है, थोड़ा सा समय और हो जाए और आप ट्राई करो, योग पर मास्टरी कर लो। और योग पे अगर मास्टरी हो गई तो फिर आप पिताजी तो क्या, सारे घर का और भी हजारों लोगों का अपनी दृष्टि के द्वारा भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए आप योग का प्रयोग करें। रोजाना घर में दोनों मम्मी और आप बैठ के 1 घंटा योग 21 दिन प्रयोग करें। बहुत पावरफुल योग। घर को भी विजुलाइज करें, पूरा लाइट हाउस बन गया है और पापा बड़े शुद्ध देवता बन गए हैं और एक शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है, शिव बाबा की वो श्रेष्ठ आत्मा है। ऐसा मन में चिंतन करते रहें और रोज 1 घंटा योग के बाद 5 मिनट उन पर बड़ी पावरफुल किरणें डालें। मैं समझता हूं 21 दिन प्रयोग करने के बाद उनमें अवश्य परिवर्तन आएगा। साथ साथ जब आप भोजन बनाते हैं, भोजन इतने प्रेम से शिव बाबा की याद में बनाएं तो उससे क्या होगा, और उनको जो योगयुक्त भोजन मिलेगा उनकी बुद्धि परिवर्तन हो जाएगी। और प्रयास करें अगर उन्हें सेंटर का निमंत्रण दे, वहां दीदी से मिलाएं। अगर वो वहां नहीं जाते तो दीदी को अपने घर पे बुलाएं और वो उन्हें प्यार से समझाएं। आपकी बात को वो नहीं समझेंगे, लेकिन दीदी की बात या किसी अन्य वरिष्ठ जन की बात उनके जरूर समझ में आएगी। ये आपके लिए मैंने 3 उपाय बताए, मुझे आशा है आप अप्लाई करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। आज का दूसरा प्रश्न है अर्चना बहन। अगर अच्छे के लिए झूठ बोला जाए और वह झूठ मेरे स्पिरिचुअल पथ में मदद कर सकता है तो क्या यह सही होगा? मेरा एक और प्रश्न है, हमारे यहाँ एक जगह ऐसी है जहाँ कोई जाता है तो ऐसा लगता है कि कोई अशरीरी पीठ पर मार रहा है, धक्का देकर गिरा देता है। मेरे सामने यह सब हुआ है, लेकिन मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, तो यह सब क्या है? अर्चना मैन, आपने जो प्रश्न पूछा, अच्छे के लिए अगर झूठ बोला जाए तो कैसा रहेगा और उससे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही हो, अर्चना बहन थोड़ा सा देखना पड़ेगा कौन सी परिस्थिति में और क्या चीज है। क्योंकि झूठ बोलने की आदत ना ही डाली जाए, आज आप अच्छे के लिए बोलेंगी, कल आप झूठ बोलने की अभ्यासी बन जाए, आपका संस्कार ही बन जाए, फिर उस झूठ कहीं ना कहीं आपको फंसा भी देगा। ट्राई करें मैक्सिमम अवॉइड करें, युक्ति युक्त कुछ और शब्द बोलें तो अच्छा है। लेकिन फिर भी कोई कोई परिस्थिति में, जैसे कहते हैं कि एक जगह साधु चौक पर खड़े हुए थे और एक गाय दौड़ी हुई आई उस चौक पे और गई किसी तरफ, पीछे कसाई दौड़ा हुआ आ रहा था, उसने साधु से पूछा कि गाय किधर गई, और गई जिस डायरेक्शन में थी उसके दूसरा डायरेक्शन बता दिया, वो दौड़ा हुआ उधर चला गया। अंदर भावना साधु की थी, तीनों के लाभ की, कसाई का पाप ना हो, गाय बिचारी बच जाए, समाज में गलत संदेश ना जाए। तो अगर सबका लाभ है उस झूठ में तो वहां पर झूठ झूठ नहीं, वो सच बराबर ही है।
डॉक्टर पेशेंट को झूठ बोल देता है जबकि पता है पेशेंट जाने वाला है, होपलेस है, फिर भी कहता है कि तो चिंता ना कर, बस ये दवाई खा, बस हफ्ते में ठीक हो जाएगा। और उसको सारा दिन डॉक्टर के शब्द कौनते रहते हैं कि इतने बड़े डॉक्टर साहब ने कहा मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, और वो ठीक होना शुरू हो जाता है जबकि झूठ बोला है उसने डॉक्टर ने। उसके बावजूद भी वो झूठ किसी के कल्याण के लिए बोला गया है। तो देखना पड़ता है किस परिस्थिति में कैसा है वो जज करें, और वैसे ट्राई करें ज्यादातर हम सत्य की राह पर चलें और सत्य बोलें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अर्चना बहन, जो दूसरा पार्ट आपने दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का पूछा है कि कोई जैसे कि पीठ ठोक रहा है, धक्का मार रहा है, मुझे तो नहीं मारता, खैर बधाई हो आपको नहीं मारता क्योंकि आप योग युक्त आत्मा है ना, और जो पावरफुल योगी आत्मा होगी उनसे ऐसी आत्माएं दूर भाग जाती हैं। आप और योग बल बढ़ाइए। रही बात दूसरों का होता है वो प्रचिंतन नहीं कीजिए, उन्हें भी योगी बनाइए। अगर वो पावरफुल योगी बनेंगे उनके भी ये दूर भाग जाएंगे आत्माएं, क्योंकि आप प्रूफ है आपको नहीं मारता वो, पर दूसरे को आपको लगता है ठोक रहा है। आप कहती है मैंने देखा भी है, वीक सोल पे तो ये चीजें प्रभावी हो जाती हैं और शक्तिशाली योगी आत्माओं से ये चीजें दूर भाग जाती हैं। तो आप भी और शक्ति अपनी बढ़ाएं और दूसरों को भी ये प्रेरणा दें तो उससे ये चीजें दूर भाग जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनू मेहता, मैं मुंबई में रहता हूँ, काफी स्ट्रगल कर रहा हूँ, कोई सफलता नहीं मिल रही, आईपीजी में रहता हूँ, मेरे रूममेट शराब पीते हैं, बहुत शोर करते हैं, सोने भी नहीं देते, मैं इन सब परेशानियों से कैसे बाहर आऊं, प्लीज मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सोनू भाई, बहुत खुशी की बात है कि आप बॉम्बे में रहते हैं और आपको ये जानकर और भी हर्ष होगा, बॉम्बे में हमारे 50 सेंटर हैं और जरूर आप वहां रहते हैं जहां भी उसके निकट भी कोई सेंटर अवश्य होगा, तो आप सेंटर पे जाना प्रारंभ करें। जाते होंगे उम्मीद है, नहीं तो आप जाना प्रारंभ करें और वहां से शक्तियां प्राप्त करें। पीजी जहां आप रह रहे हैं और उसमें रूममेट शराब पीते हैं तो पीजी बदले जा सकते हैं, और वहां राजयोगा सेंटर बीके ब्रह्म कुमारी मुंबई, जिस भी एरिया का भरेंगे आपको सेंटर का एड्रेस आ जाएगा, वहां दीदियों की मदद लें, आपको बहुत अच्छी कंपनी वाला पीजी देंगे और उसमें रहेंगे तो संग से आपका रंग भी श्रेष्ठ हो जाएगा। मैं परेशान रहता हूं, टेंशन में रहता हूं, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप परेशानियों से परे रहें, और बॉम्बे में हमारे डॉक्टर सचिन पर्व जो शराब भी छुड़ा देते हैं, स्मोकिंग भी छुड़ा देते हैं, वो व्यसन मुक्ति के एक्सपर्ट हैं इंडिया भर में डॉक्टर, उनसे अपने रूममेट को मिलाएं, आप अपने रूम में लेके आए उनको, वो विक्रोली सेंटर पर होते हैं तो उनसे काफी मार्ग प्रदर्शन मिलेगी, आपके मित्रों का भी कल्याण होगा। और नहीं तो ज्यादा स्ट्रगल करने की इन चीजों में जरूरत नहीं, अच्छी कंपनी वाला पीजी ढूंढ ले, सब कुछ हो सकता है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। तो इसलिए ऐसा करके आप अपने पुरुषार्थ को श्रेष्ठ बनाएं, श्रेष्ठ पुरुषार्थ से आपकी सब परेशानियां खत्म होके आप प्रसन्नता की मूर्ति बन जाएंगी। ये है आपके प्रश्न का जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है भ्राता जी, मोनिका नागपुर से, मुझे मेरे बेटे की बीमारी को ठीक करने के लिए कौन सा सामान लेना चाहिए, उसको झटके बहुत आते हैं, उसकी एज के हिसाब से उसका डेवलपमेंट भी कम हो रहा है। आपने बच्चे की बीमारी के बारे में बताया, मैं समझता हूँ आप कोई मेडिकल एक्सपर्ट को जरूर दिखाएं, अगर उसे मिर्गी का कुछ बीमारी है तो मिर्गी के एक्सपर्ट को दिखाएं, दिमागी बीमारी है तो दिमागी डॉक्टर को, किसी साइकेटिस्ट को जरूर दिखाएं। हर बीमारी के बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं और उसका इलाज जरूर मिल जाता है। एक तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सुझाव है, और दूसरा आप जो सामान कह रही हैं तो सामान पहले तो स्वयं को, मैं महान आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा, और बच्चे के लिए भी आप ये महान आत्मा है, उसको एक विजुलाइज करें, शिव भगवान ज्योति बिंदु की किरणों के नीचे ये ज्योति बिंदु आत्मा है,
और उसकी किरणें उस पर पड़ रही है और बच्चा पावरफुल बनता जा रहा है, शक्तिशाली बनता जा रहा है, तो स्वस्थ होता जा रहा है। ये शुभ भावनाएं सारा दिन ना करें, योग में लगातार ना करें, फिर शिव भगवान की बजाय बच्चे की याद हो जाएगी। और देहधारी को याद करना भी पाप है, इसलिए एक घंटा केवल शिव बाबा की याद में मगन रहें, पीछे 5 मिनट शिव बाबा की प्रकाश की किरणें, शक्तिशाली किरणें उस आत्मा पे डालें। ये उपचार का काम करेगा, हीलिंग कर देगा और बच्चे को श्रेष्ठ बना देगा, आपके वाइब्रेशन उसे महान बना देगा। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी, आपने हमें बहुत संतोषजनक उत्तर दिए। मिलते हैं फिर अगले सत्र में। ओम शांति।